चीयर्स कर लो। ये भी पता लगता है कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। लग रहा है आपको ये प्लास्टिक का है। डिपेंड रखी है उन्होंने ना, कपड़े पहन रखे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, दिन की शुरुआत हमारी हो गई। फिलहाल सुबह उठ तो गए थे हम, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया था, मगर मैं सुबह शूट करना थोड़ा सा भूल गया, तो अभी शेरिन ने याद दिलाया। मतलब क्या है, थोड़ा सा काम कर रहा था मैं ऑनलाइन बैठ के। तो फिलहाल अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और टाइम लगभग हो गया 12:30 बजे, और आज शेरिन की जो है ना इवनिंग ड्यूटी लगा दी गई है। तो फिलहाल मेरा तो घर से थोड़ा सा निकलना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरुष को लेकर धूप में जाना मुश्किल है। तो फिलहाल आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और जैसा भी शेड्यूल रहेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। आरुष और शेरिन दूसरे कमरे में, देखते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। और गाइज, यहाँ पर शेरिल और आरुष। आरुष उठ गया सो के? क्या कर रहे हो अभी? ओ, दोनों जो है ड्रिंक पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक। और आज शेरिल की नाइट ड्यूटी है। शेरिल, नाइट ड्यूटी निकल गया। करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ, इवनिंग ड्यूटी। तो कैसा लग रहा है इवनिंग ड्यूटी में जाके? और तुम तो अभी 12:30 बजे रेडी हो गई हो। अरे तो 2 बजे से ड्यूटी है ना, तो 2 बजे ड्यूटी है, पहुंचना तो पहले पड़ता है। आरुष, आप नहा नहीं रहे क्या? आप कल रात नहाए थे? सुनो, पानी कोई खत्म नहीं हुआ, पानी तो है उसमें। नहीं है। अच्छा, अभी मम्मी को छोड़ के आओगे तब डुबकी मार लेना पानी में, ठीक है? नहीं, पहले हम जूस पीएंगे। पहले जूस पियोगे? तो गाइस देखो, दोनों ने ना जूस यहाँ पे सजा रखे हैं और वेट कर रहे हैं फटाफट पीने का। ज़्यादा ठंडे हैं क्या? नहीं। चलो पियो, चीयर्स कर लो। चलो चीयर्स कर लो। ये तो गाइस देखो, अभी ड्यूटी जाने से पहले थोड़ी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पे अरुण ने काट दिया है खरबूजा, यानी कि मस्क मेलन। तो फिर इसको एंजॉय करते हैं। मम्मा, हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? छोटे जाऊं। अरे आप अभी छोटे हो, आप ड्यूटी जाके क्या करोगे? गोल गोल नहीं घूमते ड्यूटी पे, काम करना पड़ता है बहुत सारा। हाँ, जब तुम 25 साल के हो जाओगे ना, उसके बाद तुम बोलोगे काश मुझे ड्यूटी से छुट्टी मिल जाए। अभी छुट्टी मिल रही है, अभी मजे मारो, अभी ड्यूटी नहीं जाने का। ओके बेबी, अभी भी जाओ अभी। नो बेबी, अभी ड्यूटी नहीं जाने का, अभी मम्मा काम कर रही है, पापा काम कर रहे हैं, अभी हम दोनों ड्यूटी जा रहे हैं, आप घर पे ही रहो। ओके तो गाइस देखो, अभी आरुष को ड्यूटी जाने की लग रही है। एक दिन मैं आरुष को ड्यूटी ले गई थी ना अपने साथ नाइट ड्यूटी, क्योंकि उस दिन अरुण घर पे नहीं थे, तो उस दिन मजबूरी में ले जाना पड़ा था। तो अभी इसको ड्यूटी जाना अच्छा लग रहा है, और रोज ये बोलता है कि मेरे को ड्यूटी ले जाओ। अभी बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको पता नहीं है, जब ये बड़े हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, तब ये ड्यूटी से छुट्टी मांगा करेंगे। और अभी ये छोटा है, और अभी इसको बहुत मज़े आते हैं हॉस्पिटल में जाने में। तो हम भी छोटे थे तो यही सोचते थे ना कि यार जल्दी से बड़े हो जाएं, खूब सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन अभी पता लगता है कि पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है, और आज की डेट में इतनी महंगाई के साथ तो बहुत 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 ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जब इनका टाइम आएगा तो ऊपर वाला जाने पता नहीं क्या होगा तब तक। तो गाइस, इन दोनों के लिए मैंने खरबूज काटा, और शेरिल ने एक पीस खाया, और शेरिल बोली कि ये लो, प्लास्टिक प्लास्टिक जैसा लग रहा है मेरे को। देखो ये प्लास्टिक था क्या? नकली खरबूज है, नकली खरबूज है ये। यूँ करी कि प्लास्टिक जैसा लग रहा है, प्लास्टिक का टेस्ट आ रहा है, जैसे प्लास्टिक चबा ली मैंने। खरबूजा तो ठीक है, और चलो ये इसमें ये बेनिफिट है कि जो बीज निकलते हैं ना, शेरिल बीज तो खा लेती है। फिलहाल खरबूजा जो, खरबूजा मुझे निपटाना पड़ेगा। आरुष भी मुंह बना रहा है, गर्म है, मेरे को भी अच्छा ही लग रहा है ये। तो गाइस, कहीं से लग रहा है आपको ये प्लास्टिक का है? मुझे तो लग नहीं रहा है प्लास्टिक का है, मगर ये थोड़ा सा मैंने खा लिया, अभी थोड़ा ही बचा है, इसको भी मैं धीरे धीरे खा लूँगा, क्योंकि इसमें तो पैसे लगे हैं इसमें।
पता कितने का है ये? जब मुझे टेस्ट नहीं आ रहा मैं क्यों खाऊं? तुम खा लो, तुम खाते रहो। इतना छोटा सा पता कितने का है? 56 रुपीस का है ये। मुझे बीजे खाने हैं, मेरे बीजे वहाँ। बीजे तो मैंने निकाल दिए। मैं तो उसी के लिए मंगाती हूँ, खरगोश तुम खाओ, बीजे मैं खाती हूँ। ये प्लास्टिक का अभी खाने को मिल रहे हैं, प्लास्टिक के खरबूजे खाओ। हमारे यहाँ हमने असली खाए हैं, प्लास्टिक के दिल्ली के खाने की जरूरत नहीं है। और गाइस आरुष ना ये नंगे नंगे बच्चे देख रहा है, ना चड्डी पहन रखी है उन्होंने, ना कपड़े पहन रखे हैं। What? Bro, what are you talking about, man? सब डायपर पहन रखे हैं, पता है लाइन से बच्चे देख रहा है। क्या कर रहे हो आप? ये कौन सा कार्टून है ये? ये कहाँ से आ गया? चुसनी लगा के घूम रहे हैं बच्चे सारे। ये देखो नीग्रो टाइप का बच्चा आया। ये मम्मी को छोड़ने के बाद आरुष ने इच्छा जताई कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो चटकारे ले लेके आरुष ना आइसक्रीम खा रहा है। आरुष हाँ। कौन सी खा रहे हो? कपाली। आरुष कपाली कपाली खा रहा है। चॉकलेट वाली अच्छी नहीं है। चॉकलेट वाली एक्चुअली खानी थी आरुष को, मगर इनके पास भैया के पास ना चॉकलेट वाली आइसक्रीम नहीं है। तो गाइस बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है, गर्मी बहुत है और हवा भी चल रही है और गाड़ियाँ भी आ रही हैं। और देखो गाइस आरुष ने ना सारी आइसक्रीम जो है ना चट कर दी, पूरा कप चट कर दिया। गाइस एक्चुअली क्या था कि शरीर को छोड़ने के बाद आरुष को मैंने फिर घर पे छोड़ा और मैं अपना हेयर कटिंग और दाढ़ी सेट कराने गया था, तो थोड़ा सा टाइम हो गया। फिर शरीर को लेके आए, खाना वाना खाया हमने और मैच चल रहा था। आज आपको पता कि आजकल जो है T20 चल रहे हैं, तो हम इतना व्यस्त हो गए ब्लॉग नहीं कर पाए। तो अभी टाइम लगभग 11 बजा है, रात का डिनर हमने कर लिया है और नहाए हैं अभी। नहा धो के हम लोग अभी फ्री हुए हैं, आरुष भी नहाया है और मैं भी नहाया हूँ। खाना वाना सब खा लिया, अभी भी T20 मैच का कुछ कुछ चल रहा है तो वही हम देख रहे थे। तो फिलहाल नहा के बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर जो है ना अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी 15-20 मिनट बैठेंगे, उसके बाद सोने जाएंगे। तो गाइज उधर मैं और आरुष जो है ना नहा धो रहे थे और इधर शैरिल ने बना दी है गर्मा गर्म चाय, तो अभी चाय के मज़े लेंगे बालकनी में बैठ के। तो फिलहाल चाय लेके चलते हैं। ये तो है शैरिल की, हमें इधर बंद कर रखा अंधेरा, एकदम अंधेरे में लेके जा रहा हूँ मैं चाय। और ये देखो अंधेरे में बैठी है शैरिल। ये लो। और ये देखो इधर आरुष गुर 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 कर रहा है। गाइज अंधेरा है, हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना शरीर, गर्मी ज़्यादा है ना। और गाइस ये आ गई अपन की चाय, इसे भी बाहर लेके चलते हैं। गाइस अभी हमने ना चाय पी ली और चाय पी के मन तृप्त हो गया। और बताऊँ टाइम क्या हो रहा है? 1:09 हो रहे हैं और हम ये चाय पी रहे हैं। तो आज तो किसी कारणवश हम लेट हो गए और फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलते रहें। हैं आरुष, और आरुष के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आरुष ये बोलने वाला है, बोलो बोलो आप ये बोलो। मैं आप मेरा चैनल देख लो और सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी देख लो। चैनल देख लो, सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी देख लो। देख लो आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया आरुष ने, ये आपको करना ही करना है, ठीक है? तो चलिए गाइस ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, टेक केयर, बाय बाय। Hehehehe